तो पिछली एपिसोड में आपने देखा सीजी जाता अपने बड़े भाई स्वीट से मिलने के लिए। यहाँ पर स्वीट से पूछता है कि एमेट कहाँ पे है, तो बदले में स्वीट जवाब देता है कि एमेट अब उनकी गैंग्स के साथ में काम नहीं कर रहा है। तो इसके बदले में बिग स्मोक कहता है कि वो सीजे की बात एमेट से करवा देगा, और ऐसा कहकर सीजे को अपने साथ एमेट के पास ले जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि एमेट थोड़ी बहुत गन की ट्रेनिंग करवाता है। और ये सब ट्रेनिंग करने के बाद बिग स्मोक को वापस से घर छोड़ने के बाद स्वीट का फ़ोन वापस से सीजे को आता है और कहता है कि नए कपड़े खरीद लो। तो क्या सुपरमार्केट पहुंच पड़ता है अपना सीजे भाई। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेने के बाद सीजे अपने से वापस से घर आ जाता है और इसकी मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अब आगे। सो हेलो माय Yo, लवली brother. फ्रेंड। Hey, wait here. अबे तू जा यार। तो हेलो माय लवली Man, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्या हाल चाल है? तो यार देख सकते हो सीजे हमारा एकदम हरा भरा सा हो गया है। पूरी हरियाली छा रखी है भाई, सर से लेकर पैर तक पूरी हरी हरी पहन रखी है। हरी झंडी दिख रही है, ये फिर ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब तो कोई भी इसको मारकर चला जाएगा। खैर देख सकते हो उसके साथ ही साथ मैंने एक अच्छी सी मास्क ली है। काइंड ऑफ फनी लग रही थी ये मास्क, मेरे को बिनको के शोरूम से मिली। और देख सकते हो ये वाली मास्क मैंने पहन रखी है, काफी बड़ी सी मोटी सी नाक है, बड़े बड़े आईब्रोज हैं और बियर्ड भी काफी एकदम खड़क सिंह जैसा लग रहा है। तो यार देख सकते हो अब तो सीजे थोड़ा सा सज धज के सही भी हो गया है। पहले तो सिर्फ बनियान पहनकर घूमता था और जीन्स पहनकर। खैर मैंने सारा स्पोर्ट्स वेयर ले लिया है। और एक देखो यार आज का मिशन नंबर 7 हमें कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। और ये भाई चाचा क्या करे, चाचा को एक पंच लगाते हैं और सीधे मिशन पर निकल जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है ड्राइव बाय। हमेशा की तरह देख सकते हो यहाँ पे मीटिंग चल रही है ब्रदर की। यार सुन लेते हैं मीटिंग पे क्या चल रही है इनकी बातें। What you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you're राइडर को बुरा लग रहा है कि बार बार सीजे को ही ड्राइव करने को मिल रहा है। All it is, okay, CJ okay, drive okay. here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect. अब सीजे लग रहा है इन लोगों के गैंग का। Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good guy, man, homie. अरे यार इसकी मास्क थोड़ी ज्यादा फनी नहीं लग रही है देखने में, इतनी बड़ी सी नाक पहन रखी है। यार एक गेम की ना बहुत अच्छी चीज है कि आप जो भी वार्डरोब से कुछ भी लेते हो, कोई सा भी मास्क वगैरह, कोई सा भी आप क्लॉथ पहनते हो, तो स्टोरी उसके ही बेस पे हो जाती है। बहुत सही है यार। चलो हमने कहाँ जाना है? बिग स्मोक भी है क्या? अच्छा बिग स्मोक फर्स्ट सीट में ही बैठा हुआ है। ओके तो अब हमने जाना है डेस्टिनेशन पर। एक्चुअली में हमने वो करना क्या है ना, आज छोटा सा मिशन है गाइस, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगी, छोटी सी मिशन है। एक्चुअली में क्या करना है, जितने भी बल्लास गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी जो टेरिटरी है, उनके जो अड्डाबाजी जो बोलते हैं जिसको, वो जहाँ पे करते हैं ना, तो उनको जाकर आज सबक सिखाना है। है भाई हमारे पीरो गैंग मेंबर हमारे साथ में है तो फिर डर किस बात की है। और यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि हमारी गाड़ी की ना हेल्थ रहेगी, वो ख़राब ना हो जाए, कहीं वो लोग फोड़ फाड़ ना दे गाड़ी को। तो ये देखो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम डेस्टिनेशन पे, सारे अपने गन रीलोड वगैरह करते हुए दिख जाएंगे आपको। और सीजे तो भाई हमारा सबसे हैंडसम लग रहा है, तो क्या ही बताएं उसके बाद। ओके तो ये देखो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बल्लास गैंग की अड्डाबाजी चल रही है यहाँ पे। और एक काम करते हैं ना, गाड़ी से ही इनको पेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार मैं तो गन तो चला नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑटो एम तो कार के अंदर से होता नहीं है। ओके तो मैंने दो लोगों का एटलीस्ट टपका दिया। अरे भाई एक को तो मारो गन से, चलो मार दिया इन लोगों ने। मैं एक काम करता हूँ फटाफट से इनकी गन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी गन की एमओ भी चाहिए। और कुछ 10-10-5 रुपए गिरे पड़े रहेंगे तो वो भी ले लेता हूँ भाई, पैसे की बहुत किल्लत चल रही है भाई आजकल। यार ये पिस्तल दे रहा मेरे पास, पिस्तल तो मेरे घर पे ऐसे ही मिल जाता है। चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं, 2-4 डेस्टिनेशन पे जाना है, 2-4 इनकी टेरिटरी पे ना हमला बोलना है। देखो यहाँ पर भी खड़े हैं, एक काम करते सबको पेल लेते कार से। अरे भाई साहब अब वो देखो उसको देखो कहाँ जा, उसको भी दे दिया स्वीट ने मारा है शायद। तो गन ले लेते हैं फटाफट से, कुछ कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं, नीचे वनी सारी पड़ी हुई सारे उठा लेंगे भाई, हम तो हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार हैं, सारा कुछ खा लेंगे। चलो ठीक है ओके अब यहाँ से निकलते एक और नेक्स्ट वाली गली में जाना है, यहाँ पर भी है शायद से। ओके ये देखो इन सारों को ना एक साथ कार में ही, भाई साहब मतलब क्या ड्राइविंग हुई है, कार से ही सारे को उड़ा दिया। चलो ठीक है इन लोगों को हेडेक भी नहीं पड़ा। मैं गन नहीं लेता हूँ इस बार, कितना गन लूँगा यार, ये लोग भी वेट करेंगे और वीडियो भी लंबी खींची जाएगी। ये लोग क्या कर रहे थे, अरे खंडर के अंदर में तुम लोग तरफ कुछ सस्ता नशा कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? पब्लिक बुला, पुलिस बुला दूँ अभी। चलो गाइस तो ठीक है हमारा यहाँ पे मिशन कंप्लीट। और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे 2-स्टार लेवल हो चुका है,
विच मीन्स कि अब पुलिस की कार हमें चेस करेगी, जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक चेस करेगी। जल्दी टू स्टार हटने वाला है नहीं। वन स्टार रहने से अगर हम लोग पुलिस के एरिया से बाहर निकल जाते हैं, आई मीन उनके पकड़ से बाहर निकल जाते तो वन स्टार हट जाती है, बट टू स्टार जल्दी से नहीं हटती है। एक काम करेंगे, क्योंकि देखो ये लोग हमारी कार को पहचान चुके हैं, एक काम करते हैं यहाँ से डायरेक्ट ना कार की जो पेंट शॉप होती है वहाँ पर जाएंगे। और भाई मेरे को मतलब क्या नूबड़ा समझ रखा भाई, क्या तुमने पुलिस वालों ने ऐसा कार चला रहे हो तुम लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तुमको पता भी है मैं कहाँ से आया हूँ? करते क्या हो? अच्छा आओ तुम्हें ड्राइविंग दिखाता हूँ भाई, आ जाओ। मतलब मैं तुम बच्चों की तरह खेल रहा हूँ, तुम लोग यार सच में बच्चे समझने लगे हो। इधर आओ तुमको दिखाता हूँ अभी कहाँ गया पुलिस वाला, पीछे ही है। एक मिनट हाँ ठीक है उधर से जाओ। ओके कैसा लगा अब बताओ, मुँह टेढ़ी हो गई ना तुम्हारी? बस हो गया उसका। खैर अब जाते हैं गाइस। ये देखो हमारा मिशन नहीं, यहाँ डेस्टिनेशन सामने पे, वो देखो वहाँ पे हमारी कार की पेंट हो जाएगी। और कार एक बार मेरी पेंट हो जाने के बाद ये लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कार कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। कम्प्लीटली चेंज नहीं होती, पेंट चेंज हो जाती है, इंजन भी नए लग जाते हैं, कार जितनी भी डैमेज रहती है वो सारा कुछ रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी टू स्टार जो है ना वहाँ पे ब्लिंक कर रही, विच मीन्स कि वो रिकोगनाइज़ नहीं कर पा रहे कि हम लोग कौन सी कार में। तो बस इनके एरिया से निकल जाना है। अगर पुलिस के सामने रहोगे या पुलिस को मारेंगे हम या पुलिस की कार ठोक देंगे तो फिर से टू स्टार लेवल फिर से आ जाएगी, फिर समझ रहे हो ना, उससे फिर बचना मुश्किल है। बच भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो बच ही जाएंगे, मिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बच ही जाएंगे। बट क्यों रिस्क लेना, देखो अभी टू स्टार वाली वांटेड लेवल हट गई, अब हम लोग आराम से शांति से घर जा सकते हैं। और देखो ये वाली कार की पेंट अच्छी लग रही है, मरून कलर की पेंट है। खैर ठीक है, रात भी हो चला है यार, हमारी मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है गाइस। मैंने कहा था ना काफ़ी शॉर्ट सी है मिशन ये वाली, आज कार पे ही जाना है, सबको कार पे ही मारना है। ये देखो गाइस हम लोग फाइनली अपने घर पर पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि आई थिंक मिशन कंप्लीट हो चुकी है। राइडर देखो चिड़ के मार निकल गया। ओके ठीक है, ओ भाई साहब बियर लाने के पैसे दिए जा रहे हैं सीजे को। ओके सो फाइनली गाइस $500 भी मिले हैं, रिस्पेक्ट प्लस भी मिला है और आज हमारी मिशन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई। काफ़ी ईजी था, बहुत शॉर्ट भी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो बता देना कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, इस मास्क के लिए तो एटलीस्ट लाइक कर दो यार। और चैनल पे अगर नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी और बाय।